फील्ड में आपका लोगो वगैरह से, तो पिछली वीडियो में हमने देखा हेडर्स टैग कैसे हम यूज़ करते हैं, लिस्ट कैसे करते हैं डाटा को, तो इसमें हम देखेंगे कि अपने वेबसाइट से हम इमेज कैसे लेके आते हैं HTML के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इमेज लाने के लिए हम तक टैग यूज करते हैं IMG, ठीक है। उसके बाद हम सोर्स देते हैं SRC सोर्स। तो सोर्स हमें देना होता है, सोर्स में हमें लिखना होता है फाइल की लोकेशन और नेम। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल डाउनलोड करके रखी है टॉम, तो मैं इसकी लोकेशन दे देता हूँ। सोर्स है हमारे पास जी सोर्स, हमें देंगे यहाँ पे हम देंगे JPG, ठीक है। ये आ गया, इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अगर तो सेम फोल्डर में पड़ी है इमेज तो हमें उसकी लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, कहाँ फोल्डर में पड़ी है, सिंपल इसका नाम लिखो तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सेव कर देता हूँ। तो बॉडी टाइप हमारी है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ अब ठीक है, कंट्रोल सेव करते हैं। तो चलिए इमेज खोल देते हैं, HTML ओपन विद क्रोम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इमेज आ चुकी है, यहाँ पे ब्यूटीफुल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें और देखिए हम इसकी हाइट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं जैसे हाइट यहाँ पे 400 कर देता हूँ, और वेट भी चेंज कर सकता हूँ, अलाइन भी कर सकता हूँ सेंटर वाला या राइट में। तो यहाँ पर मैं इसकी 300 देता हूँ, ठीक है। तो सेव किया, वेट भी चेंज कर किया। तो ऐसे हम अपनी इमेज को अपने वेबसाइट पर लेकर आते हैं, उसका साइज डिफाइन कर देते हैं। और एक और तरीका है, मान लीजिए आपके पास कोई भी इमेज है, मान लीजिए इंटरनेट से पड़ी है, तो आप उसका लिंक सीधा यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ मैंने लिखा है tom.jpg, तो वो इमेज सब भी यहाँ पे रेंडर हो जाएगी। कुछ साइट हैं जो अलो नहीं करती हैं, पर मोस्टली साइट में आ जाता है। तो अगर आप डायरेक्टली अपनी साइट को लिंक देना चाहते हो तो उसकी स्पीड थोड़ा फास्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, आप ट्राई कीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो इमेज में सिर्फ इतना ही, चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.